उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह से ये हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं हमारे साथ मुंसलिक होके। मुझे पूरा यकीन है कि कश्मीर से ज़्यादा सीटें हमें जम्मू की जीतेगा, और मैं जम्मू वासियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो आपने 74 साल में नहीं देखा, एक दिन आपने कांग्रेस को 25 सीटें दी, फिर आपने एक दिन बीजेपी को 25 सीटें दी। अल्लाह के फजल से जब आप हमारे हक में वोट देंगे, आप देखेंगे कि आपकी 25 सीटों का तकद्दस कितना होगा, कितना वजन होगा, और आप देखेंगे आपके लोगों के साथ। नॉर्मल सी के दावे किए जा रहे हैं, अगर नॉर्मल सी नहीं होती तो जो आप कश्मीर में देख रहे हैं, जिस तरह से यात्रा फर्स्ट क्लास तरीके में चल रही है, जिस तरह से टूरिस्ट आ रहा है, ये तो आएगा ही। देखो, दुश्मन कोई सोया हुआ नहीं है, ये तो आएगा ही, लेकिन इसको एबनॉर्मलिटी नहीं मानेंगे, ये तो चलता रहे। कहने से क्या होता है, देखो जब तक जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी रीजन के हों, जब तक वो मिलिटेंसी को साथ नहीं देंगे तब तक ये पनप नहीं सकती है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया है कि मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। उनको मुबारकबाद ही देता हूँ, और जो साथी आज ज्वाइन किए हैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि आप उस पार्टी में जुड़े हैं जिससे आप कभी शर्मिंदा नहीं हुए। कल जो आप लोगों के पास जाएंगे और इस जमात के लिए वोट मांगेंगे, दैट इज़ माई कमिटमेंट। आप कमिटमेंट करिए, उन्होंने ऐसी गवर्नेंस कभी नहीं देखी होगी जैसी कल को, जो इनके वोट से अपनी पार्टी की या म्यूनसिपल बॉडीज़ बनेंगी या पंचायत बॉडीज़ बनेंगी या असेंबली बनेगी, ऐसी गवर्नेंस जिसमें हर एक को बराबरी का हक हो, बिल्ला लिहाज व मजहब व मिल्लत रीजन एनीथिंग।